वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर्स। तो गाइस उम्मीद करता हूं कल भी अपने T20 ब्लास्ट में अच्छा खासा वोन के होगा, हमने भी करा। क्रिस लिन हमारा कैप्टन, वाइस कैप्टन हमारा क्या नाम है जोसो कॉब, वो थोड़ा धोखा दे गए यार, और कुछ नहीं धोखा इसलिए देखिए ऊपर से क्रिस लिन चल गए, इसीलिए मतलब बीच में आगे कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, प्लस बॉलिंग उनको दी नहीं गई। ठीक है, जिमिनी साहब हमारा ड्रॉप करने का रिस्क सबसे बड़ा रिस्क रहा, कामयाब रिस्क रहा, तो यही होता है बस थोड़ा सा रिस्क लेके अपने टीम्स बनाते हो। आज बात करेंगे वॉर्सेस्टर और यहाँ पर योर्कशायर का जो मैच खेला जाना है इस ग्राउंड पे क्या क्या होने वाला है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, आप ग्रैंडली टारगेट कर रहे हो या फिर हेड टू हेड 3 मेंबर में अपनी विनिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहां से आप टीम बनाना अपना सीख के जाओगे पर्टिकुलर मैच के लिए। ठीक है, यहां पे दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 जो पॉसिबल हो सकती है वो मैंने लिखी है। अब बात करते हैं इस ग्राउंड की। इस ग्राउंड में भाई विटिलिटी T20 ब्लास्ट का हमारा मैच खेलेगा न्यू रोड वॉर्सेस्टर में। अब न्यू रोड वॉर्सेस्टर का हिसाब क्या है? ठीक है, आप ग्रैंडली के लिए टारगेट कर रहे हो, ध्यान रखना यहां पर होता है एक टीम बनेगी आपकी। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अब तक मतलब सबसे ज्यादा जो मैचेस है उनका रेशो क्या है, जो टीम यहाँ पे बैट फर्स्ट करती है ना, बैट फर्स्ट करती है वो अच्छे खासे रन्स बना देती है, और जो टीम बैट सेकंड के लिए उतरती है वो या तो ऑल आउट हो जाती है या फिर चेज नहीं कर पाती, कम मतलब चेज नहीं कर पाती पर साथ में विकेट भी 3 से 4 देती है, इससे ज्यादा देती है पर चेज नहीं कर पाती। तो मोस्टली मैचेस में ज्यादातर यही हुआ है कि जो टीम बैट फर्स्ट करती है उसको ज्यादा एडवांटेज मिलता है, वो अच्छे खासे उनके टॉप ऑर्डर भी रन करके जाते हैं, प्लस उनके बॉलर्स भी अच्छे खासे विकेट निकाल के जाते हैं सेकेंड इनिंग में। अगर उनकी टीम बॉलिंग के लिए उतरेगी सेकेंड इनिंग में तो विकेट निकाल के जाते हैं। ठीक है, एक टीम तो आपकी इस तरह की। ठीक है, ये स्कोर मान के चलो 170-80 का एक एवरेज स्कोर बनेगा इस सिचुएशन में, जिसमें फर्स्ट इनिंग की टीम बैट फर्स्ट करेगी, यानी वहां पे 170-80 रन का स्कोर करेगी प्लस 6 से 7 विकेट या 5 विकेट इस तरह के विकेट्स आपने गंवा के जाएंगी। ठीक है, दूसरी तरह की जो टीम्स बनेगी वो बनेगी यहां पे क्या नाम है, मतलब जो एक लो स्कोरिंग वाली टीम जो होती है। ठीक है, लो स्कोरिंग भी बहुत बनती है यहाँ पे, बहुत सारे मैचेस ऐसे जो लो स्कोरिंग हुए, यानी 120 के आसपास 130 के आसपास की टीम्स, यानी पहली टीम भी ऑल आउट और दूसरी टीम में कभी चेज किया है और कभी वो भी यहाँ पे क्या नाम है 6 से 7 विकेट गवा के चेज कर दिया। तो इस तरह की टीम्स आपको बनानी है, टोटल आपकी 2 से 3 तरह की टीम्स बनने वाली, स्पेशली 2 टीम पर फोकस करना। एक जो 170-80 से स्कोर बने, 5 से 6 विकेट लगे और यहाँ पे सेकेंड वाली जो टीम बैटिंग बॉलिंग के लिए उतरे वो ऑल आउट हो। ठीक है, उसके बाद दूसरे फोकस करना एक लो स्कोरिंग वाली 120 से 130 की, जिसमें फर्स्ट टीम ऑल आउट होगी और सेकंड टीम यहाँ पे मुश्किल से 3 से 4 विकेट, जिस हालत में भी सपोज योर्सर अगर सेकंड बैट करती है तो इनकी हालत ऐसी कम से 3 से 4 विकेट 5 विकेट ये भी गवा देंगे 120 से 130 का स्कोर को चेज करने में। ठीक है, तो इस तरह की दो टीम में ज्यादा फोकस सबसे ज्यादा। ठीक है, और जो हाई स्कोरिंग वाली होगी एक टीम वो भी बनाना, जिसमें क्या नाम है, यानी टोटल 3 टाइप्स की टीम आपको बनानी है। एक बनाना हाई स्कोरिंग जो 200 के आसपास की हो, ठीक है, 200 का रन स्कोर बने और यहां पे जो टीम बैट फर्स्ट करे वो भी रन बनाए और जो टीम बैट सेकंड करने के लिए उतरे वो भी चेस कर ले यहां पे, या फिर चेस के पास मान लो 200 पहुंचे तो 194 तक वो भी टीम बनाए। तो 3 तरह की टीम्स आपको इस मैच में कवर करनी है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से काफी हेल्प होगी आपको अपने ग्रैंडिक के लिए और हेड टू हेड 3 मेंबर के लिए। हेड टू हेड 3 मेंबर के लिए ये वाली टीम सबसे परफेक्ट है, 170-80 रन की टीम बनाओगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, और जो टीम बैट फर्स्ट करेगी उसके बैट्समैन और उसी के बॉलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको अपनी हेड टू हेड 3 मेंबर की टीम में बनाने हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वॉर्सेस्टर। बाकी यहाँ पर वेदर रिपोर्ट गूगल बाबा की तरफ से बारिश कोई नहीं है, बस हल्का सोवर बता रखा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे मैच मुझे लगता है पूरा देखने के लिए आपको मिलने वाला है। सबसे पहले वॉर्सेस्टर की बात करें भाई, एडी पोला, ठीक है, अगर इनकी टीम बैट फर्स्ट करती है, कल मैंने कहा था आपसे पॉल स्टर्लिंग को जहां रखोगे कैप्टन बनाना, लोगों ने भाई दुनिया भर ने अपने हेड टू हेड 3 मेंबर टीम में लेके रखा था, बट जब मैंने सिचुएशन देखी टीम बैट फर्स्ट कर रही है बैट सेकंड के लिए उतरेगी तो मैंने पॉल स्टर्लिंग को अपनी टीम से गायब कर दिया। बस वही होता है, वही रिस्क तुम्हारे कामयाब होते हैं, उसका रिस्क लिया साथ में जिमी निसाम का रिस्क लिया, तो ओवरऑल फाइनल हमारी विनिंग अच्छी हुई और कुछ नहीं। ठीक है, एडी पोलाक अगर बैट फर्स्ट करती है टीम तो अपनी टीम में रखना, सेकंड इनिंग में चाहो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो क्योंकि इनके पास बॉलर्स काफी अच्छे हैं। ठीक है, ब्रेटी ओलिवेरा बैट फर्स्ट और सेकंड दोनों सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रहेगा और बैट फर्स्ट में तो कैप्टनशिप की दावेदारी रखता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद कॉलिंग मुनरो, ये आपको चाहो तो सेकंड इनिंग में जब इनकी टीम बैट फर्स्ट सेकंड के लिए उतरे तो ड्रॉप कर सकते हो, बट फर्स्ट इनिंग में इसको भी ड्रॉप करने की गलती मत करना। ठीक है, एडी बर्नार्ड, ये आपका बैट फर्स्ट सेकंड दोनों में इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी टोटल देखा जाए ये जो ऊपर के 4 प्लेयर है इन 4 के ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं कैसे यूज करना है, बैट फर्स्ट बैट सेकंड ध्यान से सुनना। काशिफ अली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, गॉडरिक है, ये आपको विकेट कीपर ऑप्शन में प्लेयर है तो फिर मैं इनको भी ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। जैक लीबी तो काफी डाउन आते हैं खेलने के लिए, इनका तो मतलब बनता नहीं है। ठीक है,
अब यहां से बात करते हैं बॉलर्स, डीजे ब्रेवो, मॉरिस और आपका पैट्रिक ब्राउन, ये तीन प्लेयर आपके पास ऐसे हैं जो वॉर्सेस्टर से आपको आज के मैच में पॉइंट देंगे ही देंगे हर हाल में, ठीक है। और साथ में ब्रैडी ओलिवेरा भी बॉलिंग पे उतरेंगे, तो एक दो ओवर या फिर तीन ओवर चार ओवर जो भी करें आपको विकेट निकाल के चांसेस हाई हैं ब्रैडी ओलिवेरा के, ठीक है। डीजे ब्रेवो, मॉरिस और यहाँ पर पैट्रिक ब्राउन, अगर इनकी टीम बैट फर्स्ट करती है तो आपको इन तीनों के साथ जाना है, ठीक है। अगर इनकी टीम बॉल फर्स्ट करती है तो आप यहाँ पर डीजे ब्रेवो के साथ ब्राउन को ले सकते हो, ब्राउन के साथ मॉरिस को ले सकते हो, मॉरिस के साथ डीजे ब्रेवो को, इस तरह का कॉम्बिनेशन आप मल्टीपल टीम्स में बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ वॉर्सेस्टर से आपको समझ में आएगा कैसे आपको टीम्स बनाई। और गाइस आपने अभी भी हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि भाई इसी तरह की वीडियो आपको फ्यूचर में हमारे चैनल पर मिलती रहती है। और वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। योरसेल्फ की बात करें उससे पहले गाइस, अगर आप लोग अपना हेड टू हेड 3 मेंबर का इन्वेस्टमेंट, हर वीडियो में कहता हूँ, अगर ड्रीम 11 प्लेयर स्पॉट माई फेवरेट जैसी ऐप पर कर रहे हो तो बंद कर दो, कभी आपकी विनिंग इंप्रूव नहीं हो सकती, लॉस में ही रहोगे। रिसेंट में बैटबॉल 11 और विजन 11 सबसे बेस्ट ऐप है, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्कशन मिलेगा, साथ में रेफर कोड चंदू 123 जरूर करना। और जो लोग यहाँ पे लूडो से या फिर अदर गेम से पैसा अर्न करना चाहते हैं उनके लिए तो काफी जबरदस्त ऐप है बैटबॉल 11, यहाँ पर आपको गेम्स का फीचर भी अलग से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं योरसेल्फ की। यहाँ पर भाई एडम लिथ अगर टीम बैट फर्स्ट करे तो ट्राई जरूर करना, उसके बाद फिन एलन टीम बैट फर्स्ट करे तो ट्राई जरूर करना है, दोनों को ओपनिंग को रखना अगर टीम बैट फर्स्ट करती है तो। सेकंड इनिंग में एक में लिथ को ड्रॉप करना, एक में फिन को ड्रॉप करना, यानी दोनों को ड्रॉप करके चलना है, एक में एक रखना, एक में एक रखना, बट ये है एक बंदा ड्रीम टीम का हिस्सा बन के मेरे हिसाब से जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैडमोर भाई डिफॉल्ट चॉइस है विकेट कीपर में, क्योंकि यहाँ पे करने वाले हैं आपका गॉडरिक काफी डाउन आएंगे तो कैडमोर आपके लिए बेस्ट चॉइस है, ठीक है। और लास्ट मैच में प्लस 0 पर टिके हैं, ठीक है। हैरी ब्रुक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे बैट फर्स्ट हो या फिर बैट सेकंड हो, ठीक है, मिडिल ऑर्डर में आके स्कोर कर सकता है। शादाब खान अगर इनकी टीम बैट फर्स्ट करती है, ठीक है, बैटिंग फर्स्ट करेगी बॉलिंग में सेकंड में आएगा तो आप इसको ट्राई करना। और हालांकि यहाँ पे स्पिनर्स गेम में रहता ही है, यानी जितने भी हमारे आठ बॉलर होते हैं हमारे दोनों टीम, सॉरी पांच दस बॉलर होते हैं दोनों टीम्स की तरफ से, 10 में से एक ना एक स्पिनर गेम में रहता है, पर यहाँ पर शादाब खान का आज रोल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि भाई बैटिंग के लिए भी आएगा प्लस हमने कोटे के 4 ओवर भी करेगा, ठीक है। तो शादाब खान मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाए, पिछले मैच में हमने छोड़ा था, हालांकि हमारा दूसरा प्लेयर कवर कर गया था तो इसलिए हमारे वहां पर विनिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर शादाब खान आज मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। विल फ्रेंड ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, उसके बाद जेट थॉमसन को आप ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैलिक की टीम में, ठीक है। हेड टू हेड 3 में ट्राई यार, ऑलराउंडर्स पर जाऊंगा फिर आपके पास बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स नहीं, फिर आप बॉलर्स कवर नहीं कर पाओगे। अब वो डिपेंड करेगा सिचुएशन, टॉस क्या कहता है, उसके बाद जेन थॉमसन को रखना है या फिर नहीं रखना है, क्योंकि दो एक ओवर कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा चांसेस तो मुझे लगते नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एम विट इनको ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, डीवेस और यहाँ पे डी लीच ये हमारे दो प्लेयर हैं, रेविस को ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, हालांकि विकेट निकाल सकता है, इसको कब लेना वो आपको बताऊंगा, ठीक है। डीवेस और डी लीच हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। रेविस को आपको पता है कब ट्राई करना है, जब आप इनका मान लो इनकी टीम बैट फर्स्ट कर रही है, ठीक है, इनकी टीम बैट फर्स्ट कर रही है और यहाँ पे जो काशिफ अली रॉड्रिक हो गया, लेबी हो गया, अगर यहाँ इस टाइम पर बॉलिंग के लिए आएगा ये बंदा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बॉलिंग उस टाइम पर प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट मैं ज्यादा यही सजेस्ट करूंगा कि रेविस को ज्यादा ट्राई ना करना, केवल डी बैस और आपका डी लीच ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इस टीम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों टीम्स का एनालिसिस उम्मीद करता हूँ कंप्लीट हो चुका होगा, आपको समझ में आएगा कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज करना है, ठीक है। अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखी होगी तो नहीं, अगर स्किप करी होगी तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ इस चीज को भी आप तीन टीम वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो भाई कमेंट कर देना, मैं एक लंबा चिट्ठा लिख के रख के रखूंगा, जो भी पूछेगा उसी को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, तो ये चीज समझ लेना ध्यान से। अब दोनों टीम्स की तरफ से जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपको पता ही चल चुका है, बैट फर्स्ट अगर ये करती है तो हमें कैसे रखना है, अगर ये बैट फर्स्ट करते हैं तो कैसे रखना है, दोनों की दोनों टीम्स अच्छी हैं, ये नहीं है ये अच्छी है बेकार है, ठीक है, परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है, ठीक है। अब ये भी एडवांटेज भी मिलता है इस चीज का, बैट फर्स्ट का सेकंड का, इस चीज का भी एडवांटेज मिलता है, ठीक है। दोनों टीम्स की तरफ से जो एक परफेक्ट जो हमारे एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो सकते हैं ग्रैंडिक के लिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां से वॉर्सेस्टर की तरफ से भाई एडी पोलाक नंबर 1 प्लेयर आपका, सिचुएशन मैंने आपको बता रखी है। ब्रैडी ओलिवेरा इसकी भी सिचुएशन क्या है, दोनों चाहे बैट फर्स्ट करें सेकंड करें इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कॉलिंग मुंडो इसकी भी मैंने सिचुएशन आपको बताई है, अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको पता होगा। एडी बर्नर्ड ये आपके लिए बॉलिंग का चॉइस भी है तो ये आपका दोनों सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। डीजे ब्रेवो और सी मॉरिस ये आपके लिए दोनों सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रहने वाला, यानी 6 प्लेयर हमारे वॉर्सेस्टर की तरफ से जो आपको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनते हैं ड्रीम 11 की ग्रैंड लीग के लिए या फिर हेड टू हेड 3 मेंबर लीग के लिए। यहां से बात करें योरसेल्फ की तरफ से एडम लिथ नंबर 1, इसके भी मैंने आपको सिचुएशन बताई है। एलन फिन एलन
इसके भी मैंने आपको सिचुएशन बताई है, हैरी ब्रुक चाहे बैट फर्स्ट हो या सेकंड हो दोनों टाइम इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। उसके बाद सादाब खान, इसका भी यही सीन है, बैट फर्स्ट हो सेकंड हो दोनों में इंपॉर्टेंट रहेगा। डी बेस और यहाँ पे डी लीच, ये दोनों के दोनों नीचे से बॉलर्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो टोटल देखा जाए तो 6 प्लेयर हमारे यॉर्कशायर की तरफ से, टोटल 12 वो प्लेयर्स है जो आपके मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनते हैं ग्रैंड लीग के लिए ड्रीम 11 में। उम्मीद करता हूँ इनमें से 7 से 8 या फिर 9 प्लेयर हमारे ड्रीम टीम का हिस्सा बने, और 1-2 प्लेयर आप बाहर से अगर चूज करते हो तो आपकी रैंक अच्छी खासी आ सकती है। ठीक है, तो ये था गाइस दोनों टीम्स की तरफ से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अब डिपेंड करता है हमारे कैप्टन, वाइस कैप्टन किस टीम में कैसे बनाने, और वो आप डिफाइन करोगे कि आपने किस सिचुएशन की टीम बनाई है। आपने फर्स्ट इनिंग में इनकी अच्छी खासी बैटिंग की टीम बनाई है तो आप यहां से लीच या फिर बेस या फिर थॉमसन इनको कैप्टन नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आप इनको ऑल आउट कर रहे हो तब जाके यहाँ से ब्लीच हो गया, बैंस हो गया, थॉमसन हो गया, इनको अपनी टीम में कैप्टन यूज करते हो। सेम चीज यहाँ से, अगर आप इनकी बैटिंग की टीम बना रहे हो, बैटिंग वाली ये बैटिंग करेंगे उसमें आप कैप्टन यहाँ से नहीं, यहीं से आपका कैप्टन बैट्समैन ही जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड आपको आपकी टीम बताएगी आपको कि कैप्टन कौन सा यूज करना है ऑप्शन कहने के लिए। ठीक है, इसको लिख देते हैं इसी में। ठीक है, ब्रैडी ओलिविरा नंबर 1 चॉइस। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन, चाहे इनकी टीम बैट फर्स्ट करे या फिर सेकंड करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट दोनों सिचुएशन में रहेंगे। कॉलिन मुनरो, इसकी सिचुएशन मैंने आपको बताई है, बैट सेकंड में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बैट फर्स्ट में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ईडी बर्नार्ड, ये आपके लिए बैट फर्स्ट या फिर सेकंड दोनों में ही एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग की चॉइस रह सकती है। ठीक है, यहां से बात करें यॉर्कशायर की तरफ से, एडम लिथ इनकी सिचुएशन मैंने आपको बताई है, उसी टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद फिन एलन उसी टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैंने सिचुएशन बनाई है। उसके बाद यहाँ पे हैरी ब्रुक दोनों जगह इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सादाब खान, ये भी आपका दोनों जगह इंपॉर्टेंट रहेगा एज ए कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन सेकंड इनिंग। मान लो इनकी टीम यॉर्कशायर की टीम बैट सेकंड कर रही है, ठीक है, बैट फर्स्ट कर चुके हैं, 187 का स्कोर बना चुके हैं, और यहाँ पर आप सादाब खान को कैप्टन कर रहे हो, मान लो 1-2 विकेट भी अगर पहले ले गया तो आपको इन दोनों में से इन चारों में से आपको 2 प्लेयर फ्लॉप करने पड़ेंगे तभी आपका सादाब खान एज ए कैप्टन वर्क करेगा ग्रैंडिंग में, तभी आके रन्स बनाएगा। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा टोटल एनालिसिस, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अब तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, और बैट ऑफ 11 विजन पर साइन अप नहीं किया हो तो कर लो भाई, लिंक आप पहुंचे डिस्कशन लेंगे, साथ में रेफर कोड चंदू 123 जरूर यूज करना। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम को टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।